सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब शेरे खुदा मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा फरमाते हैं, जो इल्म तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया है उससे बढ़कर इल्म तुम अपनी औलाद को दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से फॉरवर्ड दौर अगर किसी का है, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार दौर किसी का है, तो वो तुम्हारी औलाद का दौर है। और आप उसको मौलाए कायनात के फरमान को आंखों से देख लो। हमारे बचपने में मोबाइल का नाम लेते अपने को नहीं आता था, और आज दो दो तीन तीन साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। पता चला हमारे बच्चों का दौर बोलो तेज है कि नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे दो तीन साल की उम्र में हम इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, हमारे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? दौर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुसलमानों तुम पीछे के पीछे रह जा रहे हो। आज तुम्हारी शादियों में लाखों के खर्चे, तुम्हारे फजूल खर्च, तुम्हारे मामलात, इस पे कंट्रोल करो, अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो, दौलत का मिसयूज मत करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ। आप जानते हैं जब तक मुसलमान पढ़ता रहा, मुसलमान तरक्की करता रहा, लोग कहते हैं यार पढ़े लिखो की क्या कदर है, हम कहते हैं ऐसे बन जाओ कि तुम्हें नौकरी ढूंढना नहीं पड़े, नौकरियां तुमको ढूंढे, कौम की जरूरत बनो, कौम पे बोझ मत बनो। आज ही आपको बताऊं, आज अगर कोई मालदार बनता है वो तो अपनी औलाद को पढ़ाना ही नहीं चाहता, वो कहते हैं यार मेरे घर का कारोबार है, मैं बहुत मन हूँ, अब मैंने 10वीं 12वीं पढ़ा ली है, बस हिसाब किताब आ गया, अब इससे ज्यादा क्या पढ़ाना। याद रखो मुसलमानों, तुम बादशाह होकर भी अपनी औलाद को पढ़ाते थे, अपनी औलाद पे तवज्जो देते थे। अच्छा एक बात, ये जो मालदार अपनी औलाद को पढ़ाते हैं वो सिर्फ दुनियावी तालीम पढ़ाते हैं, दीनी तालीम नहीं पढ़ाते। डॉक्टर को बिस्मिल्लाह सही पढ़ना नहीं आती, सब डॉक्टर ऐसे नहीं, डॉक्टर लोग बुरा नहीं माने। इंजीनियर लोगों का हाल ये है, खड़े होकर के पेशाब करते, सब ऐसे नहीं है। जिन्होंने दीन नहीं जाना, जिन्होंने दीन नहीं सीखा, मैं चाहता हूं सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है, उलमाए अहले सुन्नत का मकसद है, आपका बच्चा वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लेकिन मुसलमान पहले बने, पहले इल्मे दीन हासिल करे। देखो हमारे बादशाहों ने, जिन्होंने इसी गैर मुनकसिम हिंदुस्तान पर सदियों हुकूमत की है, सदियों सदियों हुकूमत की है, उन लोगों के पास तालीम का मेयार क्या था? आज हम बच्चों को पढ़ाते नहीं। आपने नाम रजिया सुल्ताना का सुना है? हिंदुस्तान की तारीख पढ़ करके देखें, मौरिख ने कहां तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, मेरी हैसियत नाकिल की है। ये रजिया सुल्ताना बेटी है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की। किसकी बेटी है? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की। रजिया सुल्ताना स्कूल के तारीख के निसाब में उसकी जिंदगी शामिल है, अभी का नहीं, ताजा तरीन सिलेबस के बारे में मुझे नहीं पता, जब तक मैं पढ़ता था मुझे पता है रजिया सुल्ताना की जिंदगी स्कूल में किसी ना किसी कहीं ना कहीं एतबार से पढ़ाई जाती थी। ये रजिया सुल्ताना को हम एक ऐसी खातून की हैसियत से देखते हैं जो जंग में जो है वो कमांडर की हैसियत से जो है वो रहनुमाई करती हुई नजर आती है, फौज की हौसला अफजाई करती हुई नजर आती है, मुल्कों को फतेह करने का प्लान पेश करती नजर आती है। लेकिन रजिया सुल्ताना की एक इल्मी हैसियत ये भी है कि रजिया सुल्ताना के दौर में हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुहक्किकीन इल्मे दीन के मसले में जब उलझ जाते थे तो पर्दे के पीछे से दिल्ली की सरजमीन पर जाकर पर्दे के पीछे से रजिया सुल्ताना से मसाला दरियाफ्त करते थे। और वो रजिया सुल्ताना वो मसाइल जिसको मुहक्किकीन रातों दिन की किताबों की वरक गर्दानी से हल नहीं कर सकते थे, वो चलते फिरते उस मसले का जवाब दे करके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की याद को ताजा कर दिया करती थी। मुफ्ती ये चार मिल्लत सैयदा आयशा सिद्दीका की वो जिहानत की यादों को ताजा कर दिया करती थी। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के दीवानों, आज थोड़ी सी दौलत आए तो हम इल्म नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, इल्म दीन न, दुनिया का इल्म न दीन का, और जो पढ़ाते वो दुनिया का मगर इल्म दीन नहीं। मगर आप देखें हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी अपने वक्त की अजीम मुफ्तिया है। उसके बाद आप देखें शाहजहां के दौर में आए, शाहजहां ने क्या अच्छा किया क्या गलत किया मौरखीन ने सब पेश किया है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता। शाहजहां के बेटों में देखें आप दारा शिकोह को देखें, दारा शिकोह ने शतहयात की वो बातें जो औलिया अल्लाह ने आलम शुक्र में कहा, बड़े बड़े अहले इल्म उसका तर्जुमा करने से कासिर है, बल्कि सूफिया ने जब इस पर शतहयात पर गुफ्तगू की बात आई, एक जगह बहस हो रही थी
तो कुछ लोगों ने कहा कि वो फला बुजुर्ग ने वली ने शुक्र में ये कहा, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। तो कुत्ते भौंक रहे थे, एक सूफी बुजुर्ग ने कहा ये कुत्ता क्या कहता है, तो कहा कि हमें नहीं मालूम क्या कहता है। तो उस वक्त तो सूफी बुजुर्ग ने कहा यार जब कुत्ता अपनी अपनी मस्ती में कोई बात कहे तो उसका मतलब तुम्हें नहीं पता, तो अल्लाह का दोस्त अपनी मस्ती में बात कहे तो उसका मतलब तुम्हें कैसे पता हो सकता है। तुम अल्लाह वालों की बातें समझने समझाने की सलाहियत कब से लिया करके आए हो। आप तो गौर करें, शतहियात की बातों की तर्जमानी करना इतना मुश्किल था, लेकिन शहजादा दारा शिको को खुदा ने वो इल्म अता फरमाया था, उसने इस उनवान पर पूरी किताब लिखी। गौर करें, ये बगैर इल्म के नहीं। अब दारा शिकों का इल्मी मियार क्या था या उसके माइनस प्लस मामलात क्या थे, उसके ये यहाँ डिस्कस करने की जगह भी नहीं है, ना इसका टाइम है। वक्त होगा तो इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी कि वो कितना क्या था, लेकिन बहरहाल उसने किताब लिखी। सिलसिले कादरिया में वो वाबस्ता था, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली से उसको बेपनाह अकीदत थी, अल्लाह अकबर। और उसने औलिया अल्लाह की जिंदगी पर भी किताब लिखी है, मेरे आका ने सलाम के दीवान। उसके बाद फिर देखें सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर आप कोई किताब उठा के पढ़ ले, मेरा चैलेंज है तारीख के एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से, मैं कोई अल्लामा नहीं, मैं कोई बहुत इल्म वाला खतीब नहीं, एक छोटा सा तालिब इल्म उलमा की जूतियां सीधी करने वाला, सरकार गरीब नवाज की हयात पर आप किसी भी मुसन्निफ की किताब उठा के पढ़ ले, उसके हाशिए में आपको मोनिसुल अरवा का हवाला जरूर मिलेगा। मोनिसुल अरवा के बगैर कोई गरीब नवाज की सीरत मुकम्मल नजर नहीं आती। ये मोनिसुल अरवा लिखने वाला कौन है तो पता चलेगा कि शायद जहां की बेटी जहां आरा बेगम है जिसने मोनिसुल अरवा लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अल्लामे मोनिसुल अरवा के बगैर गरीब नवाज की जिंदगी और हयात को मुकम्मल न लिख सके। आखिर वो जाहिल तो नहीं रही होगी, अगरचे मोनिसुल अरवा मुख्तसर है लेकिन इस वक्त वो हर किताब की जीनत है, उसका हवाला बड़ा अहम माना जाता है। जहां आरा बेगम का आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये इल्म दीन की रानाइयां थी, लेकिन आज उलमा को हल्का समझ रहे, ये मौलवियों को क्या 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 आता है। अरे जो मौलवी को आता है वो तुम्हें नहीं आता, क्योंकि तुमने इंसान की किताब पढ़ी है, मौलवी ने अल्लाह की किताब पढ़ी है। आप मौलवी को बेवकूफ समझते हो, आलिमों की कदर उठ गई है तुम्हारे दरमियान से। और सुन लो, जो आलिम दीन को हल्का समझेगा उसका खात्मा कुफ्र पर होने का अंदेशा है।